आज का माहौल है जहाँ सारे संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है, वहाँ एक राष्ट्रपति ही उम्मीद होती है। हम तो ऐसा राष्ट्रपति चाहेंगे ना, तो हम तो कौन क्या कहता है इस पर हमको नहीं कहना, लेकिन अगर आपसे हम सवाल पूछते हैं, मान लो हम पत्रकार हैं, आपसे हम सवाल पूछते हैं कि आप बताइए आप राष्ट्रपति को चुनिएगा या मूर्ति को चुनिएगा, हमसे सवाल किया गया तो हमने जवाब दिया कि हम मूर्ति क्यों चुनेंगे, हम तो राष्ट्रपति चुनेंगे। जो सवाल पूछता है उसका तो कुछ होता नहीं है, लेकिन राजनीति में तो बवाल मचाना है तो मचा दे दीजिए। नित्यानंद राय जी ने भी बहुत, अब क्या कह सकते, कहाँ रहेंगे नित्यानंद जी, तो जब मंत्री नहीं बने थे तो हमसे मिले थे, हमसे कहा था कि आप हमको अपने पार्टी में ले लीजिए, यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्या बोलेंगे। तेजस्वी यादव आज राजनीति कर रहे हैं, परिवार के विरासत की बुनियाद पर राजद के शीर्ष पर बिठा दिए गए हैं, तो लंबी लंबी और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको अपनी उम्र अनुभव और हैसियत का एहसास होना चाहिए कि किस पर लांछन लगा रहे हैं। जब नित्यानंद राय जी ने राजनीति की शुरुआत की होगी तो तेजस्वी यादव नंगे घूम रहे होंगे, नैपी पैड पहन के घूम रहे होंगे, और आज राजनीति में वो झूठ बोलकर अपनी राजनीति की दुकान चलाना चाहते हैं। नित्यानंद राय जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जब बने, उसके पहले वो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, और संघ की शाखाएं लगाने वाला व्यक्ति वो कभी भी राष्ट्रवाद और धर्म और संस्कृति को छोड़कर किसी भी परिवारवादी पार्टी में कभी सम्मिलित हो ही नहीं सकता। ये तेजस्वी यादव को अपने पापा से पूछना चाहिए कि बार बार नित्यानंद राय जी को लोगों से संवाद पहुंचाते थे कि देखिएगा कहीं मेरा बेटा तेजस्वी हार मत जाए, ये भी एक बड़ा सत्य है जिसका खुलासा तेजस्वी यादव को और लालू परिवार को करना चाहिए। और ये लालू परिवार, ये लोग क्या कहेंगे जब इनको आरजेडी को केंद्र में मंत्री मंडल में शामिल होने का मौका मिला, तो बिहार के एक स्मगलर अपराधी गुंडा जो तस्लीमुद्दीन नाम के व्यक्ति थे उनको केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसको बनाया, नित्यानंद राय जी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया। और यही नहीं, लालू परिवार को किसी भी दूसरे यादव से दिक्कत है, लालू परिवार के लोग और तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि यादव समाज का कोई व्यक्ति केंद्र में मंत्री बने, राज्य में मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने। आज तेजस्वी यादव को इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है, इनका सर दर्द कर रहा है, ये इनकी पॉलिटिक्स का डेस्परेशन है। अब राजद धीरे धीरे विखंडित हो जाएगी, तिरोहित हो जाएगी, ये इनके डेस्परेशन से पता चलता है।